अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमने सबक नंबर 4 पढ़ा था, है ना। तो हमारा सबक नंबर 4 आधा ही पढ़ा था हमने, अब हम अपना आज कंप्लीट करेंगे। हमने पेज नंबर 11 खोल रखा है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं पढ़ना, ज़्यादा देर ना करते हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेहनत करके बाप कमाए, प्यार से माँ फिर हमको खिलाए। मेहनत करके बाप कमाए, प्यार से माँ फिर हमको खिलाए। नन्हे नन्हे दो चार खिलौने, ताज़ा ताज़ा मिठाई के दोने। ताज़े मिठाई के दोने, दोने किसे बताया, इन्होंने पत्तों को, जो जिसे छोले वगैरह करके देता है। अब्बा जी बाजार से जाकर रोज़ हमें देते हैं लाकर। मेहनत करके बाप कमाए, प्यार से माँ फिर हमको खिलाए। नन्हे नन्हे दो चार खिलौने, ताज़ा ताज़ा मिठाई के दोने। अब्बा जी बाजार से जाकर रोज़ हमें देते हैं लाकर। फिक्र है ना कुछ किसी का, गम है हम पे खुदा ही का ये करम है। अच्छी थी ना माशाल्लाह, हम्द है ना, सही से बताया करो, ठीक है। चलिए अच्छे सवालात भी कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्द किसे कहते हैं, हमने इन्होंने अल्फाज मायनों में बताया था ना वर्डनिंग में कि हम्द किसे कहते हैं। अल्लाह ताला की तारीफ बयान करने को, अल्लाह ताला की खूबी बयान करने को हम्द कहते हैं। फूल किसने खिलाए हैं, चलिए बताओ फटाक से। अल्लाह ने, फूल अल्लाह ने खिलाए हैं। एहसान अच्छा सलूक, मोहब्बत प्यार, शफ़क़त वही हमदर्दी है ना, शफ़क़त का भी वही है प्यार। और फिक्र सोच, गम है ना ख्याल, गम दुख अफसोस, करम इनायत है ना, मायने इन्होंने पूछे थे। माँ बाप को किसने पैदा किया है, माँ बाप को अल्लाह ने पैदा किया है। माँ बाप के दिल में मोहब्बत और शफ़क़त किसने डाली है, ये तो हम आँख बंद करके भी बता सकते हैं। माँ बाप के दिल में शफ़क़त और मोहब्बत अल्लाह ताला ने डाली है। तो ठीक है, हमारा सबक नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया माशाल्लाह से। किताब बहुत ही आसान लग रही है, बहुत ही मज़ा आ रहा है पढ़ते हुए। तो ठीक है, मैं बार बार आप लोगों से यही कह रही हूँ, आप अपने दोस्तों को इस चीज़ से महरूम मत करिएगा, उनमें भी इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि वो लोग भी वीडियो से फ़ायदा उठा सकें और अपनी उर्दू को और मजबूत और पुख्ता कर सकें। चलिए तो फिर इजाज़त दीजिए, हमें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के सबक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा।